बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं पंजाब में एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में बोलना चाहता हूँ। दुख की बात है कि पंजाब में जो कांग्रेस की सरकार है वो छुट्टियां मनाने यूरोप गई है, वो शिकार खेलने गए हैं और पंजाब में दरिंदे इंसानियत का शिकार कर रहे हैं। ये मेरी कंस्टिट्यूंसी में संगरूर जिले के चंगाली वाला गांव में एक दलित नौजवान को बहुत ही दरिंदगी से मार दिया गया, पलाश से उसके मांस को नोच नोच कर और ऊपर तेजाब छिड़क कर जब उसने पानी मांगा तो उसको पेशाब पिलाया गया। ऐसी क्रूरता पंजाब में जो घटी है, अब सर लोग सड़कों पर बैठे हैं, उनका परिवार जो है वो पीजीआई में बैठा है, वो मांग कर रहे हैं 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी, और वो पोस्टमार्टम करवाने को तैयार नहीं है। लेकिन पंजाब में कोई डिसीजन मेकर नहीं है, कोई फैसला लेने वाला नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब तो अपनी छुट्टियां मनाने गए हैं। मैंने कल चीफ सेक्रेटरी साहब को 2 बार फोन किया अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि मैं अभी कोई डिसीजन ले सकता हूं क्योंकि सीएम साहब बाहर गए हुए हैं। और मैं आग्रह करता हूं कि होम मिनिस्ट्री इमीडिएटली इंटरफेयर करे, वो गरीब परिवार है और लोग सड़कों में संगरूर में भी बैठे हैं और चंडीगढ़ में परिवार धरने पर बैठा है, बात करने के लिए सरकार के पास कोई नुमाइंदा नहीं है। ऐसा पंजाब में बहुत कम देखा गया है कि पंजाब को लावारिस छोड़कर हमारी सरकार घूमने गई है यूरोप में। और मैं आपके जरिए आग्रह करता हूं होम मिनिस्टर साहब को कि कृपया अधिकारियों को पंजाब सरकार को आदेश दें कि उस परिवार को 50 लाख रुपए, जगमेल सिंह जिसका नाम है उसके परिवार को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देकर और आगे से ऐसी मिसाली सजा हो कि आगे से ऐसे किसी दलितों पर या गरीबों पर या आम लोगों पर ऐसी दरिंदगी करने की कोई सोच भी ना सके। सो पंजाब के संगरूर के चंगाली वाला गांव की घटना है। मैं आपके माध्यम से उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को आग्रह करता हूं वो संज्ञान लें। पंजाब सरकार तो छुट्टियों पर गई हुई है, पंजाब इस वक्त लावारिस है। कृपया 1 मिनट में बात कीजिए। ज्योतिष सम्राट जीएल शास्त्री, रूहानी ते काले इलम दे माहिर, 2 घंटे विच घर बैठे हर तरह दा समाधान, वशीकरण करना जां तोड़ना, प्यार विच धोखा, लव मैरिज, पति पत्नी विच अणबण, सोतन दुश्मन दा नाश, हर तरह दे लाटी नंबर दे माहिर, धोखा खादे लोग सानू इक वार फोन जरूर करो। 81 468 13 896, 81 468 13 896।